हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है वो तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले गाइस वो है गूगल कीवर्ड प्लानर वेज vidIQ एंड क्यूबडी। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आज हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मुझसे यही पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि हम क्या यूज़ करें, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करें या vidIQ यूज़ करें या क्यूबडी यूज़ करें, कौन सी चीज़ यूज़ करें। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियोज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस अराइज करते हैं, बाद में उनको पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्यूबडी के बारे में। ट्यूबडी डेफिनेटली आपको पैड फीचर्स है, तो आपको इस तरह की सारी चीज़ें देगा। लेकिन आपको पता है जिस तरह से यूट्यूब का सिस्टम है और यूट्यूब के एडवर्टाइजर सिस्टम है, एडवर्टाइजर फ्रेंडली होता है, कंटेंट के ऊपर होता है आपके कि जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरह के ऐड रन किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो इस तरह से होने वाला है कि गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। हमारे पास हाई CPC वाले कीवर्ड्स होते हैं। मान लो भाई आज के टाइम में भाई हाई CPC वाला कीवर्ड कौन सा है, चलिए आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ उस तरह के रिजल्ट होंगे, जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं क्रिप्टो करेंसी लाइक एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे वो क्या होता है CPC होते हैं। अब मान लो हाई CPC वाले वर्ड भी आपने यूज़ कर लिए, उसके बावजूद भी आपके पास एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं हो रही है, तो गाइज इसका सिंपल सा अल्टरनेट है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आपका माइंड में ये क्वेश्चन अगेन आ रहा होगा कि हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी वीडियोज़ के व्यूज़ है वो आउट ऑफ कंट्री में नहीं आ रहे। अगर आपकी वीडियोज़ के व्यूज़ अगर दूसरी कंट्रीज़ में आते हैं, इस कंट्रीज़ को सर USA UK उन कंट्रीज़ में अगर आते हैं, तो डेफिनेटली भाई 101% मैं कहता हूँ आपके हाई CPC वाले कीवर्ड्स काम करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, देन नाइजीरिया, फिलीपींस एंड फिलिपोनोस जो भी है, इनमें इतने ज़्यादातर क्यों नहीं चलते, बिकॉज इसीलिए नहीं चलते क्योंकि वो कंट्री के CPC बहुत ज़्यादा लो है, उन पर एडवर्टाइज़र इतना पैसा नहीं लगाते, इसी वजह से हाई CPC वाले ऐड रन नहीं करते हैं। अब USA की बात कर लो, तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से बात कर लो भाई, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये के हिसाब से वहाँ का अगर एडवर्टाइज़र रन भी होता है तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र को बेनिफिट की जगह पे व्यूअर्स को बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वहाँ पर ऐड ज़्यादा रन होने वाले हैं। अगर आप और भी चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यू हैव टू चूज मिड रोल एड अगर आप सेट कर देते हो अपने चैनल के अंडर में 3 से 4 एड, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज होंगे, और 2 से 4 अगर एड चलते हैं तो आपकी अर्निंग यहाँ से भी इंक्रीज होने का चांसेस है। सो उम्मीद है आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में और ट्यूबडी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज पता पड़ा होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।